आपका प्रश्न है कि गाने को लेकर के हमारे क्या विचार हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है। जो इसके लिरिक्स है, जो इसके शब्दकोश है, हमारे छोटे भाई महाराज सिंह जी ने हमारे इन्होंने काफ़ी इनकी जो पुस्तकें हैं वो पब्लिश भी हुई हैं और इनको कई बार सम्मानित भी किया गया है। तो वो सब चीज़ों से हट करके इन्होंने एक नई पहल की है एक संगीत के क्षेत्र में। तो जब इनकी मुझे फर्स्ट पहली बार कॉल आई कि खन्ना सर इस तरीके से जो है हम आपको एज ए एक्टर अभिनय चुनना चाहते हैं, तो मन में शंका थी कि मैंने कहा पहले हमें गाना सुनाइए क्योंकि हमने इस रूप में इनको देखा नहीं था। जी, 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 और जब जी, इनका गाना आया डमी था तो उसी वक्त मन में यस हो गया क्योंकि जैसे गाने के लिरिक्स थे। और अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है और अपनी ओर से हमने 100% कोशिश की है उसमें 100% देने की, और बाकी कल जनता जनार्दन इसका डिसीजन कर देगी। और आप सब भाइयों से ये दो हाथ जोड़कर विनती है कि छोटे भाई महाराज सिंह का जो सॉन्ग आ रहा है इसको खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, शेयर मारें और लाइक करें। थैंक यू। तो सर उस शूटिंग के दौरान उस ड्रेस के बारे में कुछ बताएंगे जो दूसरे वाला था? जी 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 जी, ये भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो उसमें हमारी ड्रेसिंग रही थी वो बिल्कुल हट गई थी क्योंकि मुझे लगता कि शायद 15-20 साल पहले का एक कोट था जिसको पहनने का हमें सौभाग्य मिला, और साथ में वैसे ही उनकी जो थी वो लोअर थी कोट के साथ जो मैचिंग थी, और उसमें एक हम अलग किरदार में नज़र आएंगे जनता को, और जनता पहले भी हमें प्यार करती है आगे भी करेगी। और इतना ही कहूँगा कि बहुत मजा आने वाला सभी। सर फेसबुक पे आपने उस फोटो को डाला था, कितने लाइक पड़े हैं? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि शायद 1K टच होने को आने वाली है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरटेनिंग, और आप सबका बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप जो जितने भी ब्लॉगर हैं हमारे भाई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को आगे ला रहे हैं जो कि कई लोग जिनको जिनसे अनभिज्ञ है। तो मेरी ओर से आपको अग्रिम बधाइयाँ, आप ऐसे कार्य करते रहें और हमारे चुराव को रोशन करते रहें। थैंक यू। एक तो सर एक बात और है, जी मैं अभी आपसे थोड़ा सा बोलूँगा। जी सर, कई लोग जो है ये लगे रहते हैं फेसबुक यूट्यूब पर, तो निंदा करते हैं, तो निंदा करने का एक कारण क्या है, क्यों करते हैं लोग? नहीं देखिए, मैं बड़े भाई मैं यही बोलूँगा, जो जिंदा है उसकी निंदा है ये। हमें निरंतर अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आप भी बड़े अच्छे एक यूट्यूबर हैं और आप लगभग हर दिन लाइव आते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। जी सर, जी सर। और हमारे चुराव को प्रमोट करते रहते हैं, चाहे वो के बारे में, चाहे जंगल के बारे में, चाहे यहाँ के नेचुरल सोर्सेज के बारे में हो, चाहे हमारा खान पान हो, बोलचाल हो, संस्कृति हो, आप निरंतर आगे बढ़े। हमारी ये लोगों का क्या है भाई साहब, लोग कहते रहते हैं, हमें सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हमारी ओर से आपको अग्रिम बधाई है, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।